नमस्कार साथियों, बाय वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत पूछा था कि सर कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़े, बता दीजिए, है ना। तो पिछले बार भी याद है आपको, 40 दिन पहले एग्जाम की डेट आ गई थी, तो हमने 40 दिन का प्लान बताया था और उनको फॉलो करके बहुत ही अच्छा नंबर अचीव किया गया था। आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे बाय वर्ल्ड पर तो आपको पता होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे तो अब जो है 26 दिन 27 दिन ऐसे बचे हैं, लेकिन हमने 25 दिन का प्लान लेकर के आया है, ठीक है। सिलेबस तो आपको सारे चैप्टर्स का बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतने कम समय में आप पूरे सभी चैप्टर्स नहीं कवर कर पाओगे, है ना। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कवर करोगे ताकि आपका क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सको और अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसी 25 डे के प्लान में शामिल है आपको बायो वर्ल्ड का क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज, ठीक है। बायो वर्ल्ड का क्रैश कोर्स जिसमें आपको केवल जो है 200 रुपया में मिलने जा रहा है डेली लाइव क्लास, जो जो चैप्टर अभी हम बताने जा रहे हैं उन सब चैप्टर को कवर करवाया जा रहा है, रिकॉर्डिंग लेक्चर, चैप्टर वाइज नोट्स, ठीक है, ये सब 200 रुपया में। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी लेना चाहिए जो केवल 100 रुपीज में है। प्रत्येक सप्ताह 3 टेस्ट हो रही है, ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे, सैटरडे, ठीक है। और PYQ लास्ट 5 ईयर के जो पैरामेडिकल्स के हैं, चाहे ANM GNM किसी के भी बच्चे हो आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अब तो ANM GNM में ज़्यादा समय नहीं बची है, आप अगर पैरामेडिकल के लिए लेते हो तब भी आपका ANM GNM BSc नर्सिंग एक ही में है, या BSc नर्सिंग के लिए लिए हो तब भी आपका पैरामेडिकल तक ये चलेगा, है ना। पैरामेडिकल एग्जाम तक वैलिडिटी है इन सब की, ठीक। अब आते हैं चैप्टर पर। तो आपको पता है कि बायोलॉजी में जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सब चैप्टर है एक बार उनको हम बता दे रहे हैं। लिविंग वर्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, सेल है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, प्लांट फिजियोलॉजी है जिसमें आपका रिस्पायरेशन वगैरह सारा चीज आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, है ना। उसके बाद फोटोसिंथेसिस आ जाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी बताएंगे कितना नंबर आएगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसमें से इम्पोर्टेंट आपको क्या क्या कवर करना है ये देख लो। अगर आप पैरामेडिकल में 25 दिन के अंदर चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम मार्क कवर करना है, ठीक है, अगर आप पहले से प्रिपरेशन किए हुए हैं तब तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है ना। तो सबसे पहले जो आप है इधर से देखो, एक क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन कन्फर्म है। मैं नंबर का वेटेज बताते जा रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जो है कवर करते जाएंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एंड फ्लावरिंग प्लांट से कम 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, सेल साइकिल और सेल डिवीजन मिला करके जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, 5+ भी आ सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग बना लेंगे कि टॉप इम्पोर्टेंट कौन है। ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी मिला करके 10+ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 10+ क्वेश्चन आएगा। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का अकेले वेट है 2 क्वेश्चन का, कम से कम 2 क्वेश्चन का, 2+ रखिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 2+, इसको भी रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस चैप्टर में हम बात करें कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है, प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसके अंदर क्या क्या आपका आ रहा है, फोटोसिंथेसिस आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, मिनरल एंड न्यूट्रिशन आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या आ जाएगा आपको, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैस, बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन, उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड लोकोमोशन, ये जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पिछले बार न्यूरल कंट्रोल यानी नर्वस सिस्टम से पूरे 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो इस बार पक्का इसको कवर करिएगा, सबसे टॉप हॉट 3+ स्टार इसको लगा के रखिए, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी को, ठीक है, इसको टॉप मोस्ट में रखिएगा। देन जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को, इसको भी 3+ स्टार मार्क करके रखिएगा, और इनको भी 3+ स्टार मार्क रखें। कम से कम ये चैप्टर से 11th पोर्शन से जरूर कवर कर लीजिएगा। 12th पोर्शन में देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन दोनों को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप BSc नर्सिंग का फॉर्म भरे होंगे इन दोनों चैप्टर से उठा उठा के पूछा था, है ना।
देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3+ क्वेश्चन की चांस है, ठीक है, 3+ क्वेश्चन। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 3+, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। इवोल्यूशन से 3+, ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5+ क्वेश्चन रखो, हर हाल में 5+ क्वेश्चन आएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है 1 से 2 क्वेश्चन आता है, बायोटेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन से +2, इकोसिस्टम से लगभग 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिए हैं जिसमें से आप मैक्सिमम नंबर कवर कर सकते हो। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो छूट ही गया, यहाँ पर जो है +3+ यहाँ पर भी रखो, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मार्केबल चैप्टर है, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देंगे। अब बोलिएगा सर इतना कम मार्क्स में कैसे होगा, हर एक पैरामेडिकल का हर एक क्वेश्चन केवल एक ही मार्क का होता है आपके पैरामेडिकल एग्जाम में, है ना। तो इतना चैप्टर अगर हम ये 20-25 दिन के प्लान के अंदर देख रहे हैं तो काफी है, इतना अगर आप कवर कर ले रहे हो बहुत ज्यादा है ना। मैं बोलता हूँ कि आप निश्चिंत हो जाइएगा, आपका एडमिशन कंफर्म मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। चलो अब इधर आ जाते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में। केमिस्ट्री सेक्शन में आपका सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल जिसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग है, उसके बाद जो है गैस लिक्विड जो मैटर स्टेट होते हैं, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, फिर जितने भी ब्लॉक्स है आपके पीरियोडिक टेबल में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, हैलोकेंस, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन चैप्टर है, पॉलीमर से +5 क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिएगा, बायोमोलिक्यूल से +3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल एंड इस्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आती है, ठीक, तो यहाँ तक याद रखेंगे। अब इधर आते हैं केमिकल कैनेटिक्स 2+ क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3+ क्वेश्चन रहेगी, है ना, सॉल्यूशन से भी 3 से ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेंगे, सॉलिड स्टेट से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगी, हाइड्रोकार्बन से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन रह सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 5+ क्वेश्चन रहेगी, ठीक है, और SPDF ब्लॉक मिला करके टोटल पीरियडिक टेबल अगर मिला करके हम देखें तो 5+ क्वेश्चन इससे आएगी, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन रखिएगा, 5+ रखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ GK टाइप के भी जो केमिस्ट्री होते हैं वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है, और गैस एंड लिक्विड वाला से 2 से 3 क्वेश्चन आप जरूर रखिएगा, यहाँ से आएगा। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स से 2 क्वेश्चन काफी हो गया, है ना, ये मोस्ट वेटेज चैप्टर है अगर आप इनको पढ़ते हैं तो। अब कहिएगा सर इतना कम, अगर मान लो कि यहाँ पर आप 3 से 4 चैप्टर कवर करते हो तो 15 नंबर अचीव कर ले रहे हो, है ना, तो ये मत भूलिए कि सर इतना कम कम नंबर से, इतना कम नंबर काफी, क्योंकि एक एक नंबर का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग फिजिक्स पर, ठीक, फिजिक्स में देखते हैं यूनिट सिलेबस क्या क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, थर्मल जो प्रॉपर्टीज होते हैं, थर्मोडाइनमिक्स, वेव मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ठीक है, ये सब। अब आपको कौन कौन से इसमें से चैप्टर कवर करने चाहिए, सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन से 3+ क्वेश्चन आ जाएंगे आपका, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से 5 क्वेश्चन, GK टाइप का क्वेश्चन भी आ जाएगा, थ्योरिटिकल भी आ जाएगा, वर्क पावर एनर्जी से 3+ क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 2+ क्वेश्चन, है ना। उसके बाद अगर हम वेव से बात करें तो वेव से थ्योरिटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहती है, 4+ क्वेश्चन इससे आ सकती है, इलेक्ट्रोस्टेट से आपको पता है कि ढेर सारा चीज इसमें आता है, यहाँ पर भी 4+ क्वेश्चन इसको लेकर के चलिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3+ क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, है ना, 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक भी यहाँ से आता है, क्लियर है। इसके बाद हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक वेव को देख लीजिएगा, थ्योरिटिकल बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ऑप्टिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। अगर इन इन चैप्टर को हमने वेटेज बता दिया, अब आपका टारगेट होना चाहिए किस चैप्टर को हम ज्यादा कवर करें, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो क्रैश कोर्स में वर्क पावर एनर्जी हमने खत्म किया, यूनिट एंड डायमेंशन का आपको थोड़ा सा बता दिए कैसे डायमेंशन निकालना है, और नोट्स डाल दिए कि आप इनसे देख लो, कोई भी दिक्कत हो तो बताएंगे, ग्रेविटेशन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं,
और अगला जो हम लोग का टॉपिक है यानी कि अगला जो फिजिक्स का स्टार्ट हो रहा है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट कवर कर रहे हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे, देन हम लोग वेव कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और अभी जो है बायोलॉजी में हम लोग कवर करने वाले कर रहे हैं अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो भी बच्चे अभी क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कीजिए, और भी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी 25 दिन का प्लान कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे भी कुछ बेहतर हो तो आपको मैंने फुल सिलेबस इसीलिए दे दिया और वेटेज भी बता दिया कि आप उसके बेसिस पर काम करो और आपको जितना हो सके उतना नंबर अचीव करो। जितना मैक्सिमम नंबर अचीव करोगे उतना ज़्यादा सेफ जोन में आप अपने आप को पाओगे, है ना। तो ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना, रिजल्ट आएगा, अच्छा ही आएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा तो रिजल्ट कन्फर्म 100% अच्छा आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बायो वर्ल्ड चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे से भरपूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो आप जरूर फ्री में यूट्यूब क्लास ज्वाइन करें और डेली क्वेश्चन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।